मध्य प्रदेश में बिजली गुल और अघोषित बिजली कटौती ने कमलनाथ सरकार की नींद उड़ा रखी है। इस कड़ी में सीएम कमलनाथ ने खुद अधिकारियों को लताड़ लगाई और अहम बैठक भी बुलाई। देखिए एमपी न्यूज की इस खास खबर में। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बदहाल बिजली व्यवस्था से कमलनाथ सरकार बैकफुट पर आ गई है। दरअसल मौसम में बदलाव के साथ ही प्रदेश की बिजली व्यवस्था भी ठप हो गई है। इंदौर भोपाल सहित कई जगहों पर लोगों को घंटों घंटों परेशान रहना पड़ रहा है। आलम यह है कि अब तो मशहूर शायर राहत इंदौरी ने भी ट्वीट कर बिजली गुल होने का दर्द बयां किया था। उन्होंने लिखा था, आजकल बिजली जाना आम हो गया है, आज भी 3 घंटों से बिजली नहीं है, गर्मी है, रमजान भी है, बिजली कंपनी इंदौर में भी कोई फोन नहीं उठा रहा है, कुछ मदद करें, जिसे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने रीट्वीट किया और लिखा कि सरकार के कुप्रशासन का कुप्रभाव है। वचन दिया था कि सरकार बनी तो बिजली बिल आधा कर दिया जाएगा, पर इन्होंने तो प्रदेश की बिजली ही आधी कर दी। वहीं प्रदेश में जारी अघोषित बिजली कटौती से सीएम कमलनाथ ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और साथ ही इस संबंध में अहम बैठक बुलाई है। इसमें अलग अलग बिजली कंपनियों के अफसरों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। निश्चित तौर पे प्रदेश के कई हिस्सों से बिजली जाने की, बिजली कटौती की समस्याएं सामने आ रही है, शिकायतें सामने आ रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गंभीर चेतावनी देते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए और सख्त हिदायत दी कि इस तरह की किसी कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसको लेकर जो भी आवश्यक कदम उठाना उठाए, जनता की हर समस्या का निराकरण करें, जिनकी लापरवाही है उनके ऊपर कार्रवाई करें। उसको लेकर कल उन्होंने बिजली अधिकारियों की एक आवश्यक बैठक भी बुलाई है। उन्होंने कहा है कि जब बिजली सरप्लस मौजूद है तो क्या कारण है कि इस तरह की शिकायतें आ रही, मेंटेनेंस भी यदि किया जाए तो उसकी सूचना प्रकाशित करवा के किया जाए और लगातार जोन वाइज शिविर लगाए जाए। जनता की समस्या के लिए अधिकारी ऑफिस से निकलकर फील्ड में जाएं, हाथों हाथ उनकी समस्या का निराकरण करें। यदि कहीं तकनीकी खामी या फॉल्ट की बात है वो तो समझा जा सकता है, लेकिन बगैर कारण के यदि कहीं कटौती हो रही तो निश्चित तौर पर गंभीर मसला है। बता दें कि रविवार को कई स्थानों पर आंधी और बारिश के बाद बिजली कई घंटों गुल रही और साथ ही अघोषित कटौती के मामले सामने आए थे, जिसके बाद कमलनाथ सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।